हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिप्सी शिवा। और आज हम पुएबला में हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है पुएबला में, और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पर है वोल्केनो, एक एक्टिव वोल्केनो है गाइस। ये एक्टिव 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 वोल्केनो है, और अभी यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन हुआ था कुछ 2-3 महीने पहले, और एकदम वो मेरे सामने है। ये पुएबला स्टेट में जहाँ पर पुएबला सिटी है वहीं पर ही ये वोल्केनो है। पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ, अभी भी इसमें धुआं उठ रहा है। ये देखो गाइस, ये एक्टिव वोल्केनो है, और जब इसमें इरप्शन हुई थी तो पूरी सिटी के ऊपर ऐशेज ऐशेज हो गई थी। जस्ट ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ मैं अभी। ब्रेकफास्ट करने के बाद विल गो आउट, विल गो टू द लास्ट विलेज जो कि एकदम वोल्केनो के नीचे है। तो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज ये एक वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो है, और मेरी लाइफ में पहली बार मैं एकदम एक्टिव वोल्केनो के इतनी पास जाऊंगा। जब यहाँ पर इरप्शन हुई थी तो वर्ल्ड वाइड कवरेज हुई थी इस वोल्केनो की, अगर आपने देखा होगा। इसका नाम है डॉन गोयो या पोपतलेपेक, एग्जैक्ट नाम मेरे को भी याद नहीं है, अभी मैं देख के बताता हूँ, बट प्यार से इसको डॉन गोयो बोलते हैं। इस माउंटेन को प्यार से डॉन गोयो बोलते हैं, बट इसका एग्जैक्ट जो असली नाम है वो पोपतलेपेक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस इन द वर्ल्ड है गाइस। गाइस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी बच्चों के साथ, ब्रेकफास्ट करते थे, और अगेन सेम डिश बिकॉज वेजिटेरियन डिशेज बहुत कम है, और इधर बफे लगा हुआ है अगर आप देख सकते हो तो। तो गाइस ये देखो, ये नंबर प्लेट उतार के ले गए। ये रिगार्डिंग यार नंबर प्लेट नहीं है, आगे की तरफ नंबर प्लेट है पर पीछे की तरफ नंबर प्लेट नहीं है। ये देखो गाइस, आगे की तरफ नंबर प्लेट छोड़ दी है, नंबर नहीं लिखाऊंगा लेकिन हाँ। और ये देखो गाइस, रेड बुल का स्टिकर ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि याद रहे कि किस साइड बैठना है। गाइस वो रहा वोल्केनो और उसी तरफ जा रहे हैं गाइस हम। यहाँ से लाइक 30 किलोमीटर है जो सबसे पास उसके विलेज है, जहाँ से मतलब सबसे नज़दीक है वो वोल्केनो। ऑब्वियसली वोल्केनो पर नहीं जा सकते बिकॉज वो वोल्केनो है, बट या हम जा रहे हैं अथलीक्स को। ये बीच में जो आप नाम देख रहे हो इस जगह पे जा रहे हैं अथलीक्स को। गाइस हम पहुंच गए हैं अथलीक्स को, जहाँ से वो वोल्केनो दिखता है, और अभी हम सेंटर में हैं। मेरे पीछे आप सेंटर देख सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह लग रही है, बहुत अलग, कलर्स भी अलग है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हर एक जगह के कलर्स अलग हैं, तो यहाँ के कलर्स भी बहुत ज़्यादा अलग हैं। और यहाँ पर गाइस एक चीज़ बताना चाह रहा था मैं कि मैक्सिको में टॉयलेट्स कैसे होते हैं, तो हर एक जगह आपको 10 पैसोस पे करने पड़ते हैं। 10 पैसोस मेक्सिकन करेंसी में लाइक 10 रुपये हो गए, बट अगर आप कन्वर्ट कर दो 50 रुपये हो गए। और अभी हम जो है सेंटर की तरफ जा रहे हैं। सेंटर में ये एक ब्यूटीफुल सा कैफ़े है बिल्कुल सेंटर पार्क में, और इस तरफ आप देख सकते हो कलरफुल बिल्डिंग्स है सारी, डिफरेंट। उस तरफ चर्च है, और अब हम पैलेसियो म्यूनिसिपल की तरफ जा रहे हैं बिकॉज हमारी एक मीटअप है सब्सक्राइबर्स के साथ फॉर आवर अदर चैनल लाइक इनक्रेडिबल इंडिया। तो उनको हमने बोला है कि म्यूनिसिपल पैलेस पे मिलेंगे, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। लेट्स सी कितने लोग आते हैं। बट ये देख लो गाइस, पीछे वाले कैमरे से अथलीक्स को, और सुंदर जगह लग रही है। अभी थोड़ी सी मैं ड्रोन से शूट करूँगा, विल गो टू द अदर विलेज जो मेरी वाइफ ने देखा, कुछ वाकेरिया करके है कोई प्लेस, देख लो गाइस। और गाइस ये जो कैप है ये मैंने लिया है 25 पैसोस की, 25 पैसोस बोले तो अपना 125 रुपये हो गए। वो तो अच्छी लगी मेरे को, नेचुरली मेड है, ये दुआन प्लांट लीफ ड्राई करके। और ये रहा गाइस म्यूनिसिपल पैलेस, और यहाँ हमारे को वेट करना है मीटअप के लिए। लेट्स सी कितने गाइस आते हैं। गाइस मीटअप के बाद अब जो है हम वॉक करेंगे, ड्रोन से शूट करूँगा, और किसी रेस्टोरेंट जाके खाना खाएंगे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। लेट्स सी। Thank you.
गाइस यहाँ पर एक स्टेयर्स है, स्टेयरकेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो उस तरफ जा रहे हैं। ये एंट्रेंस है विलेज के एंट्रेंस, और अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ। बहुत ही सुंदर विलेज है, आई लाइक इट वेरी मच। थोड़ी देर और वेट करेंगे बिकॉज अभी टाइम हो रहा है 1:45, तो हाफ एन आवर और वेट करेंगे फूड के लिए, बिकॉज फिर उसके बाद इवनिंग में ही फूड करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत खा रहा हूँ मैं, ट्रैवल कर रहा हूँ तो चीज़ों का भी पता है, तो बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा अंदर जो है सिस्टम हिला हुआ है गाइस पेट का। गाइस ये देखो मेरे पीछे जो स्ट्रीट है कितनी कलरफुल है, और ये जगह फेमस है फ्लावर्स के लिए। तो अभी हम जस्ट थोड़ी सी और आगे वॉक कर रहे हैं फॉर द स्टेयर्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइस। लेट मी शो यू फ्रॉम द बैक कैमरा, और ये देखो गाइस हाउ द स्ट्रीट लुक्स। आई कैन नॉट बी इन द मिडल बिकॉज द ट्रैफिक इज कमिंग, और वहाँ एक कैसल भी है जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखो जूम इन करता हूँ, ये देखो गाइस, पर गाड़ी आ रही जा रही है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये आ रही भी आने बच्चों के साथ। तो गाइस मेक्सिको में एक चीज़ है दैट जैसे कि मैं बता रहा था, सब चीज़ों का कंसेप्ट सेम है लेकिन सब जगह अलग अलग है, बिकॉज द कलर्स द डिज़ाइन द आर्किटेक्चर एवरीथिंग इज डिफरेंट। और ये जो जगह है ये ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट जगह है यहाँ पर, तो क्या ही कहूँ मैं, खुद ही देख लो यार ब्यूटी गाइस। भाइयों ये देखो, ये एक एस्केलेटर है, बोले तो स्टेयर केस है जो मैं आपको बता रहा था, इसमें एक लड़का लड़की बने हुए जैसे कि आप देख सकते हो, और एक क्लॉक के ऊपर जो कि गलत टाइम दिखा रही है गाइस, नो सही टाइम दिखा रही है, पता नहीं गाइस 2:06 हो रहे हैं और उसमें 2 बज रहे हैं, 6 तो है नहीं, तो गलत टाइम दिखा रही है गाइस। गाइस अभी हमने टाको अल पास्तोर ऑर्डर करा है, ये रहा मीट इसके अंदर, और ये दूसरा तरीके का है पर मेरे को ऐसे ज़्यादा पसंद है, और टाको अल पास्तोर ऑर्डर करा है। यहाँ पर ऑलिव ऑयल वगैरह है, केचप सेल्स वगैरह है, और बियर है, और ये बच्चों के लिए जूस,